हाँ इस वक्त लास्ट को देखो चेहरा बना हुआ काली माता का हाँ ऊपर साइड में, अच्छा यहाँ इस पत्थर पे क्या हुआ था? चेहरा बना हुआ काली माता का वो ऊपर। अच्छा हाँ 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 वो बना काली हुआ है इधर। काली जी का अनुप जी फेस इधर है, दिखाइए पत्थर को, जिस जो लिखा है जो काली किस जी का फेस बना हुआ ऊपर। ये जो है देखिए किशन लाल जी जो फेस बना हुआ है इस पे काली जी का। देखिए अपन ने जो मूर्ति देखे हैं काली जी की है, हाँ कचमढ़ी में लोकल कहीं का रहने वाला किशन लाल जी, उनने यहाँ पे तीन मूर्ति बनाए थे पत्थरों काट के। अच्छा अपन जो मूर्ति देख रहे हैं आधी बनी है, अच्छा आधी इसलिए बनी क्योंकि इसको फर्स्ट वाले मना कर दी बना निकली है, अच्छा इसलिए आज बन पाई है। और ये दो मूर्ति जो जो पूरी बनी मूर्ति नीचे, कहाँ पे ये है? मूर्ति जो बनी नीचे, एक नीचे बनी शंकर जी पार्वती जी की। अच्छा आइए चलते हैं, हमने टूर गाइड लिया है यहाँ के लिए, जटाशंकर मंदिर हम लोग जा रहे हैं पंचमढ़ी का, जो ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे दोस्तों शूटिंग हुई थी अशोका फिल्म की, जिसमें शाहरुख खान और करीना कपूर जो है एक्टर एक्ट्रेस थे। तो चलिए जो है इधर आप देख सकते हैं, ये शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है, और टूर गाइड हमें बताएंगे इसकी खासियत क्या है। अपन जो मूर्ति देख रहे हैं पूरी फत्ते कटिंग हाथ जो बने ये सीमेंट के जी अलग से, ये सीमेंट का बना हुआ है? हाँ हाथ सीमेंट के बने, बाकी पूरी फत्ते कटिंग है ये, अच्छा पत्थर की कटिंग है हाँ हाथ जो बने सीमेंट और के ये। ये हाँ अच्छा चलिए अब हम कहाँ चलेंगे आगे? नीचे, अच्छा मंदिर के दर्शन करने चल रहे हैं नीचे। इधर देखिए सुंदर दृश्य का नज़ारा जो है ऊपर, और पहाड़ों की जो नेचुरल ब्यूटी जो कही जाती है यही है दोस्तों, और क्या बताया जाए क्या खूबसूरती। अगर आपको कभी टाइम मिले तो ज़रूर आइए इधर देखिए जी। ऐसा ही हाँ इस साइड आ जाओ, हाँ खड़े भाई देखिए इधर इधर कैसा कुछ हम बता रहे हैं ऐसा ही सर। हाँ मतलब देखिए ये झंडे दिख रहे हैं लाल वाले, वो झंडे दिख रहे हैं उधर, देखे लाल वाले झंडे, हाँ हाँ लाल झंडे के बीच में जो सीधी शिला खड़ी है ऐसी है ना, हाँ ऊपर जो होल बना है वो आंख से नीचे बनी है सूंड, ये गणेश जी का फेस है ये। या बिल्कुल देखिए एकदम दिख रहा है इधर से गणेश जी का जो सूंड है नीचे वाला, हाँ और देखो वो जो, हाँ वो जो लॉन्ग पोर्शन है वो। तो पचमढ़ी में क्या है, जितना ज़्यादा पानी गिरेगा यहाँ पे अच्छा। तो जहाँ जो स्टोन एकदम कच्चा होता है रेतीला, इनमें जो पानी ज़्यादा पड़ती है तो ऐसे पानी बनते हैं। जितने पानी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे तो पानी कट हुए नेचुरल पानी दिखाऊंगा पूरे, अच्छा नेचुरल बनाऊंगा अपने आप। आइए मतलब ये नेचुरल चीज़ है, भगवान की सब देन है, इंसानों ने इसको कुछ नहीं बनाया है, ऑटोमेटिक जो है प्राकृतिक चीज़ है, हम आपको दिखाने ले आए हैं। चूँकि आप सबको पता होगा हमारे 5,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और हम आपको घुमाने लाए हैं पंचमढ़ी। अनूप जी हमारे साथ आज रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं, अरविंद जी हैं, संदीप जी हैं, हमने टूर गाइड भी लिया है। तो चलिए आगे रोक दिया करो, शंकर भगवान की सेवा। जरूर नंदी बेल, नंदी बेल, नंदी बेल हनन चट्टान देख रहे हैं सबसे छोटी वाली एकदम ऊपर देखो, हाँ ऊपर जो गाय की तरह दिख रही है नंदी बेल का फेस में लग गया ऊपर, देखिए ऊपर उधर दोस्तों एकदम ऊपर देखिए उधर जो है नंदी बेल, जो कि भगवान शंकर की सवारी होती है ना जी, वो नेचुरल चीजें हैं। क्या इसका कोई प्रमाण मिलता है, कैसे कह सकते हैं कि भाई नंदी बैल? अपन ऐसा करके ऐसा मिला है, इसमें भारत का नक्शा बनता है नीचे से, अच्छा अच्छा इस साइड जो कटा हुआ है ये इंडिया का मैप, मतलब आगे आ जाइए अनुप जी, हाँ यहाँ से जो देखते हैं जो ये वाला हिस्सा है इधर का, हाँ ये वाला हिस्सा, ये दोनों पहाड़ मिला के, अच्छा दोनों पहाड़ मिला के, हाँ देखिए नीचे का पोर्शन इंडिया का मैप बन जाता है, देखिए जो है नीचे नीचे श्रीलंका वाला पार्ट है ना, हाँ ये जो है वो पोर्शन देख रहे हैं पेड़ के ऊपर वाला, हाँ ये सब निकला हुआ बाहर को, अच्छा इसको बोलते हैं डायनासोर, अच्छा ये डायनासोर है इस साइड का जो दोस्तों इधर आप देख पा रहे हैं, इसको डायनासोर एंगल बोलते हैं, देखो जो हाँ उसकी तरह निकला हुआ है ये, और बहुत ही जो है नेचुरल ब्यूटी। इधर आइए जो है आयुर्वेदिक के बारे में, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, जड़ी बूटी आयुर्वेद, देखिए ये रास्ता जाता सीधा ऐसा वो पहाड़ के पीछे, उस पहाड़ के पीछे गांव है बतका छार, तो वहां पे रहते हैं आदिवासी लोग, तो जहाँ के जो आदिवासी लोग हैं अपने जंगलों पहाड़ों के कारण बोलो यहाँ पर क्या खेती किसानी नहीं कर पाते, तो बोलो लाते हैं ऐसे लकड़ी जड़ी बूटियाँ, लकड़ी जड़ी बूटी ला के दुकानों में बेच देते हैं, दुकान से फिर सामान ले आते खाने पीने जो भी है वहाँ ले जाकर वो लोग खाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ कुछ चिल्जान और दवाइयों से, तो तीन दवाई यहाँ पे ऐसी सबसे ज़्यादा फुल गारंटी पे हैं, जैसे जोड़ों और दर्द का तेल हुआ गठिया बात के लिए, एक स्लेट हुआ, एक शहद हुआ, अच्छा तो जड़ी बूटियाँ यहीं चले जाते हैं, छोड़ दे। ये मूर्ति बनी शंकर जी पार्वती जी की, ये पहली मूर्ति बनाया गया था, अंदर ही तो जाना पड़ेगा देखने के लिए उसको, हाँ चलेंगे बाद में। ये मूर्ति पहली मूर्ति जी किशन लाल ने इसको फर्स्ट नंबर में बनाया थे, 90 सालों का इस मूर्ति को बनाए हुए शंकर जी, 90 साल पुराना ये मूर्ति है, किशन लाल जी ने बनाया था, जो काली जी की जो मूर्ति बनाई जो आदि पहली मूर्ति थी वो, अच्छा वो पहली मूर्ति थी, ये कौन सी मूर्ति है? ये सबसे लास्ट मूर्ति है, ये सबसे अंतिम में 90 साल पुरानी मूर्ति शंकर जी की और पार्वती जी, अभी हम आके आपको दिखाएंगे हमने वाला जो पहाड़ है जो वाला, अच्छा इधर वाला, हाँ जिसमें दो होल बने ऊपर, वो नीचे जो फटा हुआ ये मुंह मुंह जैसे दिख रहा है, यानी दो ऊपर आंख है वो नीचे के जो मुंह है, इस पहाड़ को देख के पता है इसमें कौन से भगवान जी हैं, जिसके जिसके ऐसे मुंह है कि हनुमान जी हो सकते हैं, हनुमान जी का फेस जो लीला था जब उन्होंने सूरज को, ये देखिए अरविंद जी इधर दिखाइए जो इधर,
अब इधर दिख रहा है आपको चेहरा हनुमान जी का, आंखें ऊपर है और जो है उनका मुंह निकला हुआ है। हनुमान जी जब सूरज भगवान को लील लिए थे तो ऐसे इनका मुंह हो गया था, ये हनुमान जी का। चलिए ठीक है दोस्तों, और लोग एंट्री कर रहे हैं मंदिर में जय प्रभु जी की। चलिए चलते हैं, जंगल का राजा बिल्कुल शेर है। ऊपर देखो, ऊपर वाला पोर्शन देखो पहाड़ का, वाओ सो अमेजिंग। इधर देखिए अरविंद जी आगे आके शेर का जो चेहरा है, जो जंगल का जो राजा कहा जाता है, उधर देखिए लायन, उनका फेस जो है पूरी तरीके से निकला हुआ है बाहर। क्या नेचुरल, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये खुद ही तराशा है भगवान ने इसको, ये किसी ने काट के ऐसे नहीं बनाया है। देखिए शेर दिख रहा है आपको अरविंद जी, ये नजारा है, देखिए क्या ब्यूटी नजारा है शेर का। और चलिए हम आगे भी चलते हैं, हमने टूर गाइड लिया दोस्तों आज के लिए, और हम आगे चलते हैं। उतार अपने यहाँ पचमढ़ी में, अच्छा दो दिन लगातार बरसात पानी गिर जाए पचमढ़ी के अंदर, तो अपने मंदिर जटासंग जो मंदिर जा रहे हैं अपन, ये मंदिर पूरा डूब जाता है। अच्छा हाँ, पानी में पचमढ़ी का डूबता है ये बरसात के दिन। अच्छा अपने जो गाड़ी खड़ी ना, वहाँ का पूरा पानी, पूरे पहाड़ों का पानी, जटासंग का मंदिर लेवल हो जाता है, लेवल देख रहे हैं ना अपन, ये वाला ये पूरा डूब जाता है, ऊपर ऊपर से यहाँ से डूब जाता नीचे, है नीचे, 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 नीचे। जितना भी आदमी आता है घूमने वाला, ऊपर से हाथ जोड़ कर वापस हो जाता है, दो घंटे तक नहीं आ पाते जटाशंकर मंदिर। अच्छा भरा हुआ रहता है, हम लोग अच्छे मौसम में, हाँ ठंड पानी खत्म हो गया। तो गाइस अभी आपने बताया यहाँ पे, चलिए कि यहाँ पे जो है पूरा पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, ये पूरा जहाँ पे अभी हम लोग हैं ये पूरा एरिया पानी में डूब जाता है। और शिवम जी बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं कि जो जहाँ पे इस टाइम पे हम लोग हैं, ये पूरा एरिया जो है डूब जाता है। अभी हम लोग जटाशंकर मंदिर की ओर जा रहे हैं नीचे, और हमारे साथ हैं टूर गाइड जो यहाँ के लोकल है, वो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। करीब हम 500 फीट नीचे आते हैं, हाँ हम लोग जो है 500 फीट नीचे जा रहे हैं, और देख सकते हैं शंकर भगवान का मंदिर है, और शिवम जी आपको दिखा रहे हैं जैसा कि भोलेनाथ का मंदिर। और हम लोग अभी बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पर हल्की हल्की ठंडी जो है हम लोगों को लग रही है, क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुके हैं। शिवम जी आपको दिखा रहे हैं भोलेनाथ का मंदिर है, और ये है पूरा व्यू जो आप देख पा रहे होंगे अभी, आप सामने देख सकते हैं कैसा व्यू है, ऊपर पहाड़ियाँ बिल्कुल, ऊपर खुला आसमान है और अगल बगल पहाड़ियाँ हैं। चलते हैं अपने गाइडर के पास, जो शायद हमको कुछ बताएंगे अभी।